वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, मैंने रॉक्स के बारे में आपको बताया था, और रॉक्स के बारे में बताते हुए मैंने आपको ये बताया था कि रॉक्स के टाइप्स बताए थे, 3 टाइप्स की रॉक्स बताई थी, जिसमें इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स थी। इग्नीशियस रॉक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इग्नीशियस रॉक्स जो हैं, जब मैंने आपको बताया था अंडर द अर्थ जो है, जो लावा है जब वो निकलता है, जो मैग्मा जो है वो निकलता है, तो उससे क्या होता है, वोल्केनोस के थ्रू जो है वो बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो वो बहुत हॉट होता है और मॉल्टन वे में होता है, लेकिन फिर वो ठंडा, जितना तेज वो गर्म होता है उतनी जल्दी वो क्या हो जाता है, पृथ्वी पे आते ही ठंडा हो जाता है, और इससे हमारी इग्नीशियस रॉक्स बनती है। अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। नाउ टुडेज टॉपिक इज सेडिमेंट्री रॉक। आज हम सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स आपको इसमें पिक्चर के थ्रू भी आपकी बुक में समझाया गया कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, किस तरीके से बनी हुई है। द इग्नीशियस रॉक्स ब्रेक्स एंड इरोड इन टू सेडिमेंट्स। देखो जो इग्नीशियस रॉक, अब जो हमारी इग्नीशियस रॉक्स जो बनी है ना, वो क्या होती है, सेडिमेंट्स के थ्रू क्या होती है, इरोड होती है। इरोड का मींस होता है टुकड़े टुकड़ों में बट टूट जाना, और पानी बाय विंड, बाय एयर या बाय वाटर जो है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होती हैं, मूव होती हैं, वेदर्ड होती हैं ये, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, आइस एंड विंड, एंड आर कैरिज टू न्यू प्लेसेस बाय दीज एजेंट्स। पानी, जल, पानी इनकी वायु इनकी ही साथ ही क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होती हैं, मूव करती हैं। दी सेडिमेंट डिपॉजिट ऑन द फ्लोर ऑफ द सीज, रिवर्स एंड लेक्स, लेयर अपॉन लेयर। और ये क्या होती हैं, लेक्स में, सीज में, फ्लोर्स में, ये एक के ऊपर दूसरी इनकी क्या चढ़ती चली जाती है, लेयर चढ़ती चली जाती है। दे आर प्रेस्ड एंड हैंडल्ड बाय देयर ओन वेट। द रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। और इस तरीके से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, सच एज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट एक्सेट्रा। अब इसमें देखिए आपको दिया गया, आपके पिक्चर के थ्रू इसमें समझाया गया कि पहले इनसाइड द अर्थ क्या हो रहा है, हमारा जो मैग्मा है, जो भी मोल्टन मटेरियल है, वो हमारा बाहर निकलता है, हमारी जो इरोजन, इग्नीशियस रॉक्स जो बनी उनका इरोजन होता है, इरोजन से डिपोजिशन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, और लास्ट में सीमेंटेशन होता है, जिसमें हमारा मिनरल्स वगैरह जो है वो प्रिपेयर होते हैं। इग्नीशियस रॉक्स कंटेन ओनली मिनरल्स एंड सब्सटेंसेस बट नॉट ऑर्गेनिक मैटर। When igneous rocks break and erode, जब ये टूटती हैं और इरोड होती हैं, it may be mixed up with organic matter. The remains of dead plants and animals are called organic matter or fossils. अब fossils या organic matter क्या होते हैं, मैंने आपको previous classes में समझाया हुआ है कि जो हमारे जब animals हैं या plants हैं, जब ये ख़त्म हो जाते हैं, जब ये dead हो जाते हैं, तो इनके ऊपर, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको fossils बोला जाता है, या इनको organic matter बोला जाता है। When organic matter forms layer, it turns into coal. अब जब इनके ऊपर layer चढ़ती है, जैसे suppose animal expire हो गए, या आपके plants जो पेड़ पौधे हैं जब वो dead होते हैं, तो उनके ऊपर एक layer चढ़ती चली जाती है, और ये layer, ये एक दिन में नहीं बनती है, ये जो layer है, layer के ऊपर layer जो है वो चढ़ती चली जाएगी, और वो किसमें टर्न होता है, वो बनता है कोल। क्या बनता है वो, कोल, विच इज अ सेडिमेंट्री रॉक, जो कि क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। नाउ नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक। दीज रॉक्स आर ओरिजिनली इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स विच हैव चेंज्ड ड्यू टू प्रेशर, हीट और एक्शन ऑफ वाटर। अब एक्चुअल में देखा जाए जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना, वो क्या है, वो ओरिजिनली देखा जाए इग्नीशियस और सेडिमेंट्री दोनों रॉक्स से मिलकर बना हुआ है। और ये किसकी वजह से होता है, ये क्यों चेंज होती है रॉक्स, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ हीट और एक्शन ऑफ वाटर। हीट की वजह से, प्रेशर, जो हीट का प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से, और वाटर की वजह से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म एंड द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन दिस प्रोसेस स्मॉल क्रिस्टल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्जर क्रिस्टल। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल्स आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा क्रिस्टल जो है वो बना देते हैं। डिफरेंट मिनरल्स एंड मटीरियल्स टू कैन कंबाइन एंड फॉर्म इन टू न्यूरल मिनरल्स एंड मेटल्स। दस दिस प्रोसेस चेंज क्ले इन टू स्लेट। इससे क्या होता है, ये जो प्रोसेस है, इससे मैं जो क्ले है वो स्लेट में, लाइमस्टोन में, लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में, कोल इनटू ग्रेफाइट एंड ग्रेनाइट इनटू ग्रेनिस, इसमें चेंज होता है। दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड कैन टेक हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है और बहुत वर्षों लग जाते हैं, बहुत सालों लग जाते हैं इस चीज़ को बनने में। नाउ
द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज रॉक साइकिल. हमने रॉक्स पढ़ी, मैंने आपको इग्नीशियस रॉक्स बताई, मैंने आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स बताई और सेडिमेंटरी रॉक्स बताई कि किस तरीके से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. नाउ द लास्ट टॉपिक इज रॉक साइकिल. जो रॉक साइकिल है, रॉक जो है इसका फॉर्मेशन एक साइकिल की तरह है. इग्नीशियस, फिर इग्नीशियस से आपका जो है सेडिमेंटरी रॉक्स बनता है, सेडिमेंटरी से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से फिर दोबारा से आपका इग्नीशियस. ये आपको इसमें एक साइकिल दिया गया है, ये बताया गया आपको, पिक्टोरियल में बताया गया कि किस तरीके से रॉक साइकिल होती है. यू हैव सीन द ओल्ड रॉक्स चेंजेस इनटू न्यू वंस. ठीक है, दिस इज अ स्लो बट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. देखिए जो रॉक मेकिंग का जो प्रोसेस है ना, ये स्लो तो है लेकिन कॉन्टिन्यूस है, ये लगातार होता रहता है. दिस इज द मैग्मा इज लिक्विड रॉक मटीरियल विच कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज इनटू सॉलिड इग्नीशियस रॉक्स ऑन और बिलो द अर्थ सरफेस. जो मैग्मा होता है वो मैंने आपको बताया था, जब वो निकलता है तो वो बहुत ज्यादा हॉट और मोल्टन होता है, लेकिन जितना गर्म होता है उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी होता है. ठंडा होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट होता है? इग्नीशियस रॉक्स में. ये रॉक्स या तो अर्थ सरफेस पे होती है या फिर बिलो द अर्थ सरफेस होती है या अबव द अर्थ सरफेस है, तो अर्थ की सरफेस पे होंगी या अर्थ सरफेस से नीचे होंगी. द इग्नीशियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द विंड एंड द वाटर मूवमेंट, जिससे हमारा क्या बनता है? सेडिमेंट्री. अभी मैंने आपको बताया ना सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है. जो इग्नीशियस रॉक्स है, जब वो वेदर्ड होती है और वो जब इरोड होती है, उससे हमारी क्या बनती है? सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है. पार्टिकल्स बाय द विंड एंड द वाटर मूवमेंट एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू अनदर प्लेस वेयर दे फॉर्म इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है, व्हेन इग्नीशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू प्रेशर एंड हीट. आप जब इग्नीशियस और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, जब उनको बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, जब उनको बहुत ज्यादा प्रेशर मिलता है और हीट मिलती है, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. अभी हमने तीनों रॉक्स इसलिए हमने पहले पढ़ी, उसमें हमने देखा था कि फॉर्मेशन इसी तरीके से हो रहा है. ठीक, प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. दीज रॉक्स कैन मेल्ट अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर एंड दस मैग्मा कैन बी क्रिएटेड, दस द रॉक साइकिल. यानी कि देखिए इसमें आपको बताया गया, पहले इग्नीशियस रॉक्स, सबसे पहले मैग्मा है, मैग्मा बाहर निकला, वॉल्केनो जो है वो वॉल्केनो के थ्रू बाहर निकला और वो कूल डाउन होकर क्या बना? इग्नीशियस रॉक बने. इग्नीशियस रॉक्स इरोड हुई, इरोड होके वेदर्ड हुई, वेदर्ड होके इरोड हुई, इरोड होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हुई? सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हुई. अब जो सेडिमेंट्री और जो अपना दी इग्नीशियस रॉक्स, जब उनको हीटअप हुआ, जब उनको गर्मी मिली या उन पे जब प्रेशर पड़ा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो कन्वर्ट हो गई आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में. और फिर दोबारा से वो कौन से पोजिशन में आ गई? मोल्टन पोजिशन में आ गई. और ये जो साइकिल है, फिर मोल्टन से फिर इग्नीशियस बनेगा, फिर इग्नीशियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, फिर मैग्मा बन जाएगा, फिर दोबारा से. ये पूरा जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? वाटर, ये रॉक साइकिल जो है बोला गया है. उसके बाद इसमें आपको बताया गया है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रॉक्स डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स दे आर मेड. अब जो ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज इस पे डिपेंड करती है कि जो मटेरियल है वो किस चीज़ से बना हुआ है. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल्स. अ रॉक में हैव वन और मोर मिनरल. एक रॉक में एक या एक से ज्यादा मिनरल्स हो सकते हैं. अ रॉक में हैव वन और मोर मिनरल्स. मिनरल्स आर प्रेजेंट इन रॉक नेचुरली एंड कैन बी आइडेंटिफाइड विद देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन. मिनरल्स जो है वो ऑटो कोई उनमें डालता नहीं है, वो बाय नेचर ही उसमें क्या है, रॉक्स में मिनरल्स होते हैं. और उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है? उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे या उनका जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है. वी गेट मेटल्स और केमिकल्स फ्रॉम मिनरल्स. मिनरल्स हैज टू और थ्री सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट्स. द रॉक विच हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ मिनरल इज कॉल्ड एन ओर. देखिए जिसमें जब हमारे मिनरल्स में दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, बोलते हैं तत्व बोला जाता है. और जो लार्ज अमाउंट ऑफ अ मिनरल इज कॉल्ड एन ओर, जहाँ पर एक ही जगह पर हमारे को एक ही तरीके का मिनरल जब ज्यादा मात्रा में मिलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं. सच रॉक्स आर माइंड फॉर प्रोक्योरिंग दैट मिनरल्स. मिनरल्स आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू. इनकी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है. दे आर इम्पॉर्टेंस कैन बी
guessed from the fact that different ages in the history of man have been named after mineral, iron age, copper age, bronze age. अगर आप history पढ़ेंगे, जब आप history में देखेंगे तो history में जो युग हैं, जो लोग हैं, उनको ही किस तरीके से distribute किया गया, iron age, जिस age में iron का use हुआ उसको iron age बोला गया, किसी को copper age बोला गया. We can classify mineral into two, metallic and non-metallic. Already हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने science में भी पढ़ा है और आपको मैं SST में भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ. मेटल्स दो तरीके के होते हैं हमारे. मेटलिक में मेटलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. जो बेसिकली अगर हम देखें जो मेटलिक मेटल्स है वो हमारे को मिनरल्स है वो किस में मिल रहे हैं हमारे को, इग्नीशियस रॉक्स में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिल रहे हैं. मेटल कैन बी प्रेस्ड इन टू वायर्स एंड शीट्स. सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स आर आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये आपके नेम दिए गए. देन नॉन मेटलिक मिनरल्स, दीज मिनरल्स आर चीफली एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक सच एज क्ले. इनमें मेटल नहीं होता, ठीक है. ये जैसे क्ले हो गया, सल्फर हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये नॉन मेटलिक हमारे मिनरल्स है. द मॉडर्न प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट कुड नॉट हैव बीन अचीव्ड विदाउट मिनरल्स, सो इम्पॉर्टेंट दे आर टू अस. क्योंकि इनके बिना हमारी लाइफ जो है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकती, इसलिए जो मिनरल्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट है. अब आप इस चैप्टर को दोबारा से रीड करेंगे. चैप्टर रीड करने के बाद आप इसमें रॉक साइकिल वगैरह जो है उनको आप प्रोसेसिंग में लाएंगे, उनको बनाने की कोशिश करेंगे, घर में उनकी प्रैक्टिस करेंगे. इसके अलावा एक्टिविटी, ये जो आपका है टिक मार्किंग है, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट में आपका टिक मार्किंग है, सेकेंड में आपका मैचअप्स है, देन आपके फिलअप्स हैं, और इनमें ये आपको एक क्लासिफिकेशन करना है, कैटेगरीज में डालना है कि कौन से मिनरल्स है, कौन से इग्नीशियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, करने की कोशिश कीजिएगा जिस तरीके से हम क्लास में करते थे. और देन आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन आंसर्स, कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेजूंगी, कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स है आपको खुद आप करने की कोशिश करेंगे, खास करके वन वर्ड और जो ब्रीफ क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो आप ढूंढ के खुद करने की कोशिश करेंगे. साथ साथ आप इनके नोट्स बना के अपने पास रखेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. थैंक यू.